तो भाइयों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 2022 होंडा डियो स्पोर्ट्स वेरिएंट का एक डिटेल रिव्यू। एंड इसमें आपको जो है ना अभी कुछ न्यू कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड इस मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे 4-5 साल पहले आपको स्पोर्ट्स स्कूटर में कोई भी ऑप्शन नहीं था, जो कि आपको ओनली होंडा की डियो ही प्रोवाइड करती थी। एंड अभी जो है ना बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, फिर भी ये मोटरसाइकिल के जो है ना वो मार्केट में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इसमें आपको जो है ना टोटल 4 वेरियंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, ड्यूलक्स, स्पोर्ट्स वेरिएंट। एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी आपको जो है ना टोटल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड ड्यूलक्स। एंड मेजरली स्टैंडर्ड एंड ड्यूलक्स वेरिएंट में आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे इसके बारे में आपको बता दूं, तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता था, बट ड्यूलक्स में जो है ना आपको यहाँ पे फुल्ली LED सेटअप मिलता है। एंड वही इसका जो सेकंड आपको डिफरेंस मिलेगा स्टैंडर्ड एंड ड्यूलक्स में, जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको जो ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड में एनालॉग ही मिलता है, एंड ड्यूलक्स में यहाँ पे आपको जो ना फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो यही आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेंगे। बाकी इसमें जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है, इसमें आपको जो ना कुछ स्पोर्टी कलर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास है इसका रेड एंड ब्लैक कलर वाला वेरिएंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको स्पोर्ट्स कलर में यहाँ पे आपको जो ना बहुत ही अच्छी खासी कलर्स की मिल जाती है, ग्राफिक वर्क मिल जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको मोटो स्कूटर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक, रेड एंड ग्रे कलर की जो ग्राफिक वर्क मिलती है ना, उसमें ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइड पैनल पे भी आपको डिओ की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको सेम जो ग्राफिक वर्क मिलेगा, यहाँ पे भी आपको जो स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड शुरुआत करेंगे इसके प्राइसिंग से, तो इसकी प्राइसिंग जो है ना शुरुआत होती है 92,000 रुपीज़ से। एंड ये स्पेसिफिक प्राइसिंग है इसके स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स वेरिएंट की। शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट पोर्शन से, तो आप इसका फ्रंट पोर्शन देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है ना एक प्रॉपर स्पोर्ट्स स्कूटर वाली लुक एंड फील मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है ना एक LED DRL मिल जाएगा ऊपर की तरफ, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको LED का DRL मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की जो है ना होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएंट होने की वजह से आपको हैलोजन सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे इसके इंडिकेटर भी जो है ना आपको मिल जाते हैं बल्ब में। एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाएगी, जो कि आपको एक टेक्सचर, सुन सकते हो आप साउंड, तो यहाँ पे आपको एक टेक्सचर भी मिल जाता है। नीचे जो है ना आपको एक मेटालिक, देख सकते हो, आपको एक मडगार्ड मिल जाएगा। एंड उसी के ऊपर आपको जो है ना वो रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। फ्रंट के जो सस्पेंशन है ना वो आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक। एंड इसमें जो है ना आपको रिम व्हील्स ही मिलेंगे, कहीं पे भी आपको जो है ना अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इस मोटरसाइकिल के बारे में मुझे एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी है, जो कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक वाला कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। आप इसमें स्टैंडर्ड वेरियंट ले लो, इसमें आप ड्यूलक्स वेरियंट ले लो, या आप इसमें स्पोर्ट्स वेरियंट भी लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो है ना ओनली जो है ना ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। एंड आपको जो है ना कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलने वाले हैं। बाकी इसके टायर्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपको जो है ना फ्रंट में 12 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं। एंड रियर के टायर जो है ना आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 10 इंचेस के टायर्स। टायर्स के बारे में बात करूँ तो आपको रियर में 90-110 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिस की तरफ से आते हैं। एंड ये भी जो टायर्स है ना वो ट्यूबलेस होने वाले हैं। फ्रंट के भी टायर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 90-90-12 इंचेस के टायर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भी आपको जो ना ट्यूबलेस टायर है, तो उसके वजह से आपको जो पंक्चर का टेंशन है ना वो नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको एक सिंगल सीट मिल जाती है, तो आराम से आप यहाँ पे 2 बंदे जो बैठ सकते हो, जो कि हट्टे कट्टे मेरे जैसे 2 बंदे यहाँ पे बहुत ही ईजिली बैठ जाएंगे। बाकी जो छोटे पतले बंदे होंगे तो यहाँ पे 3-4 लोग जो ना आराम से ही बैठ जाते हैं, क्योंकि सिंगल सीट है, अच्छी खासी स्पेस मिलती है यहाँ पे। बट ये चीज़ मैं जो ना रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ओनली 2 बंदे ही इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं, जो कि आपको बॉडी कलर में ही आएंगे। एंड अच्छे लगते हैं यार, ओवरऑल देख सकते हो आप, ये जो बॉडी का कलर है ना उसके साथ जो है ना मैच हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अच्छा खासा लुक आता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस मोटरसाइकिल का इंजन, तो यहाँ पे आपको जो है ना 109cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। एंड पावर जो प्रोड्यूस करता है ना ये मोटरसाइकिल, जो कि है 7.7 PS की। एंड टॉर्क के बारे में इसके बात करूँ, तो आपको 9 Nm का टॉर्क मिलता है। तो पावर एंड टॉर्क जो है ना यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको पिकअप वगैरह जो है ना बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। एंड ओवरऑल जो है ना इसमें आपको वाइब्रेशन भी जो है ना बहुत ही कम मिलेंगे। बाकी चलाते समय इस मोटरसाइकिल के बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे। रियर पोर्शन से इस मोटरसाइकिल को देख सकते हो आप, तो यहाँ पे भी आपको जो है ना पूरा का पूरा हैलोजन सेटअप मिलता है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो टेल लैम्प्स भी है ना वो पूरे हैलोजन में मिलते हैं। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे हैलोजन में ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना आपको एक बड़ा सा मडगार्ड मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी।
आएगी। एंड इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे रियर के, तो यहाँ पे आपको जो ना सिंगल शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं जो कि आपको स्प्रिंग वाले आते हैं। एंड यहाँ पे जो ना ये सस्पेंशन है ना वो आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं, तो आप आपके हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड इसमें आपको जो ना एक साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि आपको मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन में आएगा। एंड यहाँ पे आपको पिलियन के लिए रबराइज जो है ना वो ग्रिप आ जाती है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा पिलियन को पैर रखने के लिए भी। स्टैंडर्ड वेरिएंट होने की वजह से यहाँ पे आपको एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आप देख सकते हो तो आपको एक फ्यूल गेज मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हैलोजन के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, इंजन माल फंक्शन की लाइट वगैरह मिल जाती है। एंड बेसिक फीचर्स इसमें मिलते हैं आपको, कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ऐसी जो एडवांस फीचर्स है ना इस मोटरसाइकिल में आपको नहीं मिलेंगे। बाकी इसके स्विच गियर्स की क्वालिटी भी जो है ना डिसेंट रखी गई है, आपको पास बटन मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए बटन मिल जाएगा, हॉर्न की भी क्वालिटी जो है ना डिसेंट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इंजन किल स्विच मिल जाता है। एंड इसमें जो कीज़ मिलती है ना वो पूरी की पूरी आप इंटीग्रेटेड ही मिल जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फ्यूल लेड ओपन करने के लिए मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे इसे दबा देते हो तो आपका जो फ्यूल लेड है ना पीछे से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। एंड माइलेज के बारे में बात करेंगे तो 40 से लेके 45 की जो माइलेज है ना इस मोटरसाइकिल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट ओपन करने के लिए भी मिल जाता है, यहाँ से अभी जो इसकी सीट भी ओपन हो चुकी है। एंड सीट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो ना अच्छा खासा एक स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बट एक हाफ़ फेस हेलमेट बहुत ही इजीली यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जो आपको बूट लैंप वगैरह का जो ऑप्शन है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह रखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा। एंड अभी इसे कर देते हैं बंद, अभी हो चुका है बंद। एंड यहाँ पे आपको जो ना अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जो ना आपका आधा हाथ जो है ना इसके अंदर बहुत ही इजीली जा सकता है, इतनी स्टोरेज स्पेस है। एंड यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कीज़ वगैरह रखने के लिए, तो आपकी कीज़ वगैरह जो ना यहाँ पर रह जाएंगी, इसे वापस लगा देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैर रखने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपकी जो बैटरीज है ना वो लगने वाली है। बाकी इस मोटरसाइकिल में आपको जो है ना 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपकी स्कूटर जो है ना नीचे टच भी नहीं होती है। एंड इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है, एंड यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिल जाएगा। एंड अच्छी खासी जो है ना लुक एंड फील प्रोवाइड करता है यहाँ पर, यहाँ पर भी आपको ना एक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाएगी, आप देख सकते हो अच्छा लगता है ये कार्बन फाइबर की फिनिश में। एंड यहाँ पे आपको ओनली मिल जाते हैं रिम व्हील्स, यहाँ पे आपको कोई भी एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये जो स्कूटर है ना अभी ओवरऑल थोड़ी सी आपको आउटडेटेड ज़रूर से लगेगी, बट इसका जो लुक एंड फील है ना वो अभी भी वैसे ही वैसा है। अभी इसमें थोड़े बहुत अपडेट की ज़रूरत है, जैसे कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलनी चाहिए, बट होंडा के अभी बहुत से कम स्कूटर में आपको अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। तो चलिए अभी इस मोटरसाइकिल को चला लेते हैं। तो पहले मैं शुरुआत करूँगा इस मोटरसाइकिल के राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। तो राइड एंड हैंडलिंग के लिए ये मोटरसाइकिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लगभग इसमें आपको 105 केजीस का वेट मिलता है, तो सिटी में चलाते समय इसमें आपको वेट नहीं फील होगा। एंड पावर टू वेट रेशियो जो है ना ये इस मोटरसाइकिल में आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंड इवन इसके हैंडल बार्स भी देख सकते हो आप, अच्छे खासे वाइड है एंड राइडर के ज़रा क्लोज आते हैं, तो यहाँ पर आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको यहाँ पर लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिटिंग पोजिशन जो है ना वो आपका एकदम ऐसे अपराइड हो जाता है। एंड इवन इसके मैं सस्पेंशन के बारे में भी बात करूँगा, तो आपको यहाँ पे स्टिप सस्पेंशन नहीं मिलते जो कि सिटी के लिए अच्छे खासे है। यहाँ पे आपको थोड़े से सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो गड्ढों बिड्ढों में लेके जाते हो बाइक या स्पीड ब्रेकर पे लेके जाते हो, तो आपको ना जर्क बहुत ही कम एंड बहुत ही मिनिमल जो फील होते हैं, तो जो कि सिटी के लिए बहुत ही अच्छे से सस्पेंशन ट्यून किए गए। इवन जो फ्रंट के सस्पेंशन जो है ना वो भी आपको थोड़े बहुत जो है ना वो सॉफ्टर साइड में मिल जाते हैं, तो आप गड्ढों बिड्ढों में भी लेके जाते हो तो इसके सस्पेंशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जो स्टेबिलिटी भी है ना वो बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। एंड इवन जो रियर के सस्पेंशन है ना वो आपको थोड़े से एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं, तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से इसे सॉफ्ट या हार्ड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी इस मोटरसाइकिल की, जो मैंने आपको वॉक अराउंड के समय भी बताई थी, इसके ब्रेक्स।
तो दोस्तों इसके ब्रेक्स जो है ना वो थोड़े से मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली ड्रम ब्रेक वाला ही वेरिएंट मिलता है। आप कोई भी वेरिएंट ले लो आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जो कि मुझे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी है। आई थिंक यहाँ पे आपको जो है ना ड्रम ब्रेक के जगह पे अभी आपको सिंगल डिस्क ब्रेक तो फ्रंट में देना ही चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्रेकिंग फीडबैक थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो ब्रेकिंग वाइज ये मोटरसाइकिल वैसे तो आपको अच्छा खासा फीडबैक प्रोवाइड कर देगी, बट यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलते तो और भी अच्छा यहाँ पे आपको ब्रेकिंग फीडबैक मिल सकता था। बाकी इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो परफॉर्मेंस के मामले में ये मोटरसाइकिल जो है ना बहुत ही अच्छी है। ऑलरेडी ये जो स्कूटर है ना स्पोर्ट्स स्कूटर है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है ना थोड़ा सा अच्छा ही मिलता है। रॉ पावर यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है। आप देख सकते हो 40-50 के स्पीड पर ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छे से क्रूज कर लेती है। आपको वाइब्रेशन जो है ना बहुत ही मिनिमल फील होते हैं, एंड इवन इसमें जो इनिशियल पिकअप है ना वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटर, जो कि 110 सीसी की स्कूटर होती है ना उसमें इनिशियल पिकअप इतना अच्छा आपको नहीं मिलता, इनिशियल पिकअप थोड़ा सा कम मिलता है। मिड रेंज में वो स्कूटर जो है अच्छी पुल करती है, बट इस स्कूटर में आपको वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि इसमें आपको इनिशियल पिकअप भी अच्छा मिलता है, मिड रेंज भी अच्छा मिलता है। ओनली टॉप एंड में जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत जो है ना पावर लैक फील होने वाला है, क्योंकि 110 सीसी की स्कूटर है, तो यहाँ पे आप टॉप स्पीड इस ऐसे स्कूटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर नहीं सकते। बाकी पिकअप वाइज तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रिफाइंड इंजन है, होंडा का इंजन है, तो आपको रिफाइनमेंट के मामले में कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप बहुत ही ईजिली इस मोटरसाइकिल को जो है ना वो लॉन्ग टूर भी लेके जा सकते हो, एंड पिलियन के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है, तो आपको पिलियन के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी दिए हैं पीछे, तो पिलियन जो ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठ सकता है। एंड इसके माइलेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको है ना लगभग 45 से लेके 50 की माइलेज भी मुझे लगता है सिटी में मिल सकती है, बट ये आपको टोटली जो है ना आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इस मोटरसाइकिल को चलाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज आपको 40-45 की माइलेज तो ज़रूर से मिलनी चाहिए, बट आप इस स्कूटर को जो इकोनॉमी स्पीड में चलाते हो, मतलब 30 से लेके 50 के स्पीड में चलाते हो, तो इससे आपको जो है ना वो अच्छी खासी माइलेज मिल सकती है लगभग 45 से लेके 50 की। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लुक जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है ना सबसे पहली मोटरसाइकिल थी जो कि आपको एक स्पोर्टी कैरेक्टर प्रोवाइड करती थी, एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती थी। उसके बाद बहुत सारी स्कूटर्स आई, बट फिर भी ये स्कूटर जो है ना अभी भी मार्केट में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लुक्स के मामले में। आपको एकदम आउटडेटेड लुक नहीं लगते, अभी भी इस स्कूटर के जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। इसमें आपको स्टैंडर्ड एंड ड्यूलक्स वेरिएंट मिलता है, जिसमें आपको एलईडी लाइट मिलेंगी ड्यूलक्स वेरिएंट में, एंड यहाँ पे आपको जो है ना डिजिटल मीटर मिल जाता है, एंड उसकी प्राइस जो है ना थोड़ी सी आपको हायर साइड में मिलेगी। बाकी आपको नॉर्मल मीटर कंसोल चल जाएगा एंड आपको हैलोजन लाइट चल जाएंगे, तो आप स्टैंडर्ड वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। एंड इसका जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है उसमें आपको थोड़े से डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, बाकी जो हमारा नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको नॉर्मल कलर ही मिल जाते हैं, जो कि हमारा ब्लैक व्हाइट हो गया, वैसे सब कलर्स मिल जाएंगे, बट आपको थोड़े से स्पोर्टी कलर चाहिए, थोड़े आई कैची कलर चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ देखे, तो आप इसका जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है ना वो जरूर से कंसीडर कर सकते हो। एंड आई होप मैंने इस मोटरसाइकिल के ऊपर के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर